स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ओनली इन दिस वी हैव डिस्कस्ड लेजिस्लेटिव, हमें अभी तक लेजिस्लेटिव पावर जो है वो डिस्कस की है, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस सेकंड वर्ड, सेम जैसे हमने पार्लियामेंट का किया था ना, ऐसे ही आप इसको ऐसे याद रखो, फाइनेंशियल। पावर्स फंक्शन सारे एक जैसे ही होते हैं, लेकिन जब कोई भी क्वेश्चन होता है तो आपको उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसकी पावर्स एंड फंक्शंस उसके अकॉर्डिंग बतानी होती है, ठीक है। सपोज इसमें हमने कैसे बताना है, जैसे आपको मैंने बताया था कि पार्लियामेंट जो है वो बिल पास करती है, दो तरह के बिल होते हैं, ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल। तो फाइनेंस, जब हम मनी की बात करते हैं, फाइनेंस के कंट्रोल की बात करते हैं, तो प्रेसिडेंट की क्या पावर, आपने इसमें बताना है मनी बिल एंड बजट। इसमें याद रखो मनी बिल एंड बजट, ठीक है, मनी बिल एंड बजट ऑफ द कंट्री, ठीक है। इट विल बी पास्ड ओनली विद द परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि कंट्री का जो बजट है या जो मनी बिल होता है, ठीक है, दैट इज इंट्रोड्यूस। इंट्रोड्यूस का मतलब होता है प्रायर, प्रेसिडेंट की परमिशन के बाद ही उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, क्योंकि वो मनी से रिलेटेड है ना, फाइनेंस से रिलेटेड है। तो प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री, तो प्रेसिडेंट सबसे पहले उसको परमिशन देगा पास करवाने की। उसके बाद जब वो पास हो जाएगा, उसके बाद फिर से वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा फाइनल अप्रूवल के लिए, एंड प्रेसिडेंट के साइन होने के बाद ही कोई भी मनी बिल लॉ बनेगा या बजट जो है वो कंट्री का पास होता है, ठीक है। एक और पावर है, कैन डिले बिल। प्रेसिडेंट जो है वो मनी बिल या बजट को डिले भी कर सकते हैं। डिले किस लिए करते हैं, सपोज प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी पर्टिकुलर क्लॉज या कोई भी पर्टिकुलर जो वर्ड है, लीगल लैंग्वेज कई बार डिफिकल्ट होती है, तो प्रेसिडेंट उसको डिले कर सकते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जज से उसकी जो है वो इन्फॉर्मेशन या कोई भी डेफिनेशन या किसी रिगार्डिंग कोई एडवाइस ले सकते हैं। तो इसलिए भी मनी बिल या बजट को कुछ देर के लिए वो जो है वो डिले कर सकते हैं। तो इसमें आपने क्या याद रखना है, फाइनेंस का मतलब होता है मनी बिल, पूरी कंट्री में जितना भी पैसा खर्च करती है गवर्नमेंट, ठीक है, उसको बिल यानी कि मनी बिल या बजट के द्वारा जो है प्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट एक तरह से जो उनका खर्चा होता है वो अप्रूव करवाती है, जैसे हम कहते हैं ना बिल पास करवाना, बिल पास करवाने से पहले भी प्रेसिडेंट को पहले उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि कौन सा बिल पास हो रहा है या बजट क्या है, प्रेसिडेंट को पहले प्रायर इन्फॉर्मेशन दी जाती है। एंड उसके बाद जब बिल पास हो जाता है, बिल पास हो जाने के बाद राज्यसभा के बाद वो बिल कहाँ जाता है, प्रेसिडेंट के पास फाइनल अप्रूवल के लिए। सेकेंड आप बता सकते हो प्रेसिडेंट कैन डिले बिल, डिले भी कर सकते हैं कुछ देर के लिए, क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी से या जजेस से एडवाइस ले सकते हैं उसके बारे में, अगर प्रेसिडेंट श्योर नहीं है। तो ये होती है प्रेसिडेंट की फाइनेंशियल पावर, इसको आप फाइनेंशियल पावर के अंडर लिखते हैं, ठीक है, क्लियर है, इज इट क्लियर, एनी डाउट रेज योर हैंड, तभी मैं फिर थर्ड करवाऊंगी। हरी अप, ओके, नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिव फंक्शन। एग्जीक्यूटिव फंक्शंस या हम कह सकते हैं इलेक्टोरल फंक्शन, थर्ड है प्रेसिडेंट की इलेक्शंस, किस किस को वो अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी है, प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट कर सकते हैं, ये है उनकी इलेक्टोरल पावर्स या इलेक्टोरल फंक्शंस। इसमें हमने बताना है कि प्रेसिडेंट किस किस को अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने बताना है प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर, कैसे, जब भी नई लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा के इलेक्शंस के बाद जिस भी पार्टी को मेजॉरिटी गवर्नमेंट मतलब जो मेजॉरिटी सीट्स मिलती हैं, जो पार्टी लार्जेस्ट विनर होती है, जैसे इस बार 2019 में बीजेपी को मिली थी 303 सीट्स, तो इस पार्टी के लीडर को प्रेसिडेंट ने इनवाइट किया गवर्नमेंट बनाने के लिए और उनको क्या डिक्लेयर किया, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जब बन जाता है, प्राइम मिनिस्टर भी क्या करते हैं, देन ही प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर।
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब किसको रेलवे मिनिस्टर बनाएंगे, किसको एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाएंगे, किसको डिफेंस बनाएंगे, किसको एजुकेशन बनाएंगे। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जब डिसाइड कर लेते हैं तो उस लिस्ट को फिर किसके साथ डिस्कस करते हैं, प्रेसिडेंट के साथ। प्रेसिडेंट उस लिस्ट पे फाइनल साइन करेंगे तो ही उन मिनिस्टर्स को डिपार्टमेंट दिए जाते हैं। तो हो गया दैट प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसके अलावा प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट गवर्नर्स, गवर्नर्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। जितनी भी हमारी कंट्री की स्टेट्स हैं उनके गवर्नर्स को कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट। ठीक है, और कितनी अनलिमिटेड पावर्स हैं देखो, जजेस, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। हमारी कंट्री के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको अपॉइंट करने की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर, फंक्शन किसका है, प्रेसिडेंट। देन सीईसी या इलेक्शन कमीशन, सीईसी कंट्री का चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन मतलब कौन होगा कंट्री का, ये भी डिसाइड कौन करते हैं, प्रेसिडेंट। ठीक है, देन इसके अलावा एक और टर्म है एम्बेसडर्स, एम्बेसडर्स कौन होते हैं एम्बेसडर्स। बेटा हमारी कंट्री की एम्बेसीज जो है ना अलग अलग कंट्रीज में है, कनाडा में एम्बेसी है, यूएस एम्बेसी है, चाइना में एम्बेसी है, न्यूजीलैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में है, वर्ल्ड के हर कंट्री में हमारी एम्बेसीज होती हैं, ताकि वहाँ पर जो इंडियंस रहते हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं या जो भी उनकी वीज़ा रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या कुछ इश्यूज हैं तो वो उन एम्बेसीज में डील किए जाते हैं। और आपको पता है दिल्ली में भी एक पूरी रोड है जहाँ पे हर कंट्री की एम्बेसीज है। अगर आप दिल्ली में जाओगे ना वहाँ पे आपको हर कंट्री की एम्बेसी मिलेगी, फ्रांस एम्बेसी, न्यूजीलैंड एम्बेसी, यूएस एम्बेसी, कनाडा एम्बेसी, तो अलग अलग कंट्रीज की एम्बेसीज जो है वो दिल्ली में है। इसी तरह से हमारी कंट्री की भी एम्बेसीज जो हैं वो अलग अलग कंट्री अलग अलग पार्ट में है। तो इन एम्बेसीज के जो मेन हेड हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं हमारी कंट्री को उनको क्या बोलते हैं, एम्बेसडर्स। तो दीज एम्बेसडर्स आर आल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। क्लियर, तो ये हो गई इनकी इलेक्टोरल पावर्स। इसके अलावा मैंने आपको बताया था ही कैन नॉमिनेट 2 मेंबर्स फॉर लोकसभा एंड 12 मेंबर्स फॉर राज्यसभा। वो लेजिस्लेटिव में आ जाएगा क्योंकि वो पार्लियामेंट के लिए कर सकते हैं। इसमें आपने क्या बताना है, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गवर्नर्स, ठीक है, देन जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन। आप इसको एक ही पैराग्राफ में नहीं लिखोगे, आप इसको 2-3 लाइन्स में लिख सकते हो। ठीक है, सो प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट दीज इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज इन आर कंट्री। एंड एक बात और याद रखना, हमेशा याद रखना, जब भी आप ये क्वेश्चन करोगे इसका आंसर स्टार्ट होता है प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री एंड ही कैन यूज ऑल हिज पावर्स ऑन द एडवाइज ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसका मतलब सपोज यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो प्रेसिडेंट अपनी जो है वो विल से कर सकता है, लेकिन गवर्नर, सपोज प्रेसिडेंट ने किसी स्टेट का गवर्नर अपॉइंट करना है तो प्रेसिडेंट विल टेक हेल्प ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट ने अगर सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करना है देन ही कैन टेक एडवाइस फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट ने इलेक्शन कमीशन बनाना है, चीफ इलेक्शन कमीशन बनाना है, तो प्रेसिडेंट कैन टेक हेल्प फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, या और भी हमारी कंट्री के बहुत सी पोस्ट होती हैं जिनके ऊपर प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर से एडवाइस ले सकते हैं। ठीक है, ये इसलिए किया गया है ताकि हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट जो है वो डिक्टेटर ना बने और ताकि दोनों की यानी कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन हो। ठीक है, तो दीज आर द इलेक्टोरल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। यहाँ तक क्लियर है, एनी डाउट, नेक्स्ट वी विल डिस्कस फर्दर इफ एनी डाउट रीजन है। ओके, नेक्स्ट इज फोर्थ, जो लेजिस्लेटर वी हैव डन, फाइनेंशियल, इलेक्टोरल। अब इसके बाद फिर हम करते हैं जुडिशियल। जुडिशियल पावर्स ये बहुत ध्यान से सुनना है आपने।
अब सपोज यहाँ पे जुडिशियल पावर्स में अगर आपने इलेक्टोरल में वो पॉइंट मिस कर दिया कि प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, तो वो इसमें भी लिख सकते हो, ठीक है। उसमें अगर बाई चांस आपका मिस हो गया पॉइंट, तो आप इसमें भी लिख सकते हो उसको, दैट प्रेसिडेंट जुडिशरी से रिलेटेड कौन कौन सी पावर्स, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। हमारी कंट्री के जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, दीज आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड कंट्रोल, इनके ऊपर कंट्रोल किनका होता है, प्रेसिडेंट, बिकॉज दीज आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। सेकंड थिंग, प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द फोर्सेस, सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द थ्री फोर्सेस, कौन सी हो गई, सुप्रीम कमांडर ऑफ थ्री फोर्सेस कौन सी हो गई, एयर, एयर फोर्स, नेवी एंड आर्मी। अभी आप 26 जनवरी पे देखना प्रेसिडेंट की पावर्स, अगर आपने प्रेसिडेंट की पावर्स देखनी है ना 26 जनवरी, देखना दिल्ली में किस तरह से तीनों पावर्स थे, यानी कि तीनों फोर्सेस, एयर, एयर फोर्स, नेवी जनरल्स, आर्मी चीफ, चीफ ऑफ आर्मी, ठीक है। ये तीनों जो हैं, इनके जो जनरल्स मेन जो होते हैं, तो दीज आर कंट्रोल्ड बाय द प्रेसिडेंट। सुप्रीम कमांडर का मतलब होता है हमारे इंडिया की डिफेंस, डिफेंस के रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो हैं, ठीक है, तो वो डिसीजंस इनके डिस्कशन के साथ ले जाते हैं प्रेसिडेंट। और ये तीनों जो मेन हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नेवी एयर मार्शल, नेवी जनरल जो होते हैं, और एयरफोर्स जो मेन जनरल, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हमारी कंट्री के जो प्रेसिडेंट हैं, ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द थ्री फोर्सेस। तो आप देखोगे इस बार, देखना 26 जनवरी में दिल्ली में, ठीक है, किस तरह से प्रेसिडेंट के लिए प्रॉपर जो है एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें तीनों जो स्टाफ मेंबर्स हैं, हाईएस्ट डिग्निटरीज हैं, वो कैसे प्रेसिडेंट को सल्यूट करते हैं, इट मीन्स दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। इसके बाद डिफेंस फोर्सेज, मतलब चाहे आप तीनों लिखो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर नहीं याद होता आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज, हमारी कंट्री की जो डिफेंस फोर्सेज हैं इनके सुप्रीम कमांडर होते हैं। अब एक और पॉइंट याद रखना, प्रेसिडेंट कैन ग्रांट पार्डन, पार्डन का मतलब होता है माफ करना, ग्रांट पार्डन का मतलब होता है सजा माफ करना, ग्रांट पार्डन किसकी, किसकी सजा को माफ कर सकते हैं, बहुत इजी है। अगर किसी पर्सन को फांसी की सजा मिली हुई है, तो अगर उसका लॉयर, ठीक है, वो जो है वो प्रेसिडेंट के पास एक पिटीशन जो है वो लिख के थे कि हाँ जी इसकी फांसी की सजा को माफ करके लाइफ इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो प्रेसिडेंट जो है वो ऐसा कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर विल, वो प्रेसिडेंट के विल के ऊपर डिपेंड करता है वो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। इसके लिए जेन्युइन रीजन देना पड़ता है, लॉयर का अगर जेन्युइन रीजन स्ट्रांग होगा, देन प्रेसिडेंट कैन ग्रांट पार्डन, पार्डन मतलब दे सकते हैं, एंड ही कैन चेंज, किसको चेंज कर सकते हैं, डेथ सेंटेंस, डेथ सेंटेंस, डेथ सेंटेंस मतलब फांसी की सजा को चेंज कर सकते हैं इनटू उम्र कैद, मतलब लाइफ इंप्रिजनमेंट, लाइफ इंप्रिजनमेंट, क्लियर। अगेन आई एम रिपीटिंग, प्रेसिडेंट कैन गिव पार्डन, प्रेसिडेंट कैन गिव, कैन ग्रांट पार्डन, पार्डन का मतलब होता है सजा माफ कर सकते हैं, ठीक है। किसकी सजा को माफ कर सकते हैं, अगर किसी पर्सन को जज ने, सुप्रीम कोर्ट के जज ने फांसी की सजा यानी कि डेथ सेंटेंस सुनाया है, तो अगर उसका एडवोकेट या लॉयर जो है वो प्रेसिडेंट के पास जो है, यानी कि अनाउंस हो जाने के बाद अगर मीडिया में आ गया कि हाँ जी इस पर्सन को फांसी की सजा जो है वो जज ने सुनाई, तो ऐसे में लॉयर जो है उसका जो भी एडवोकेट है वो प्रेसिडेंट के पास पिटीशन फाइल कर सकते हैं, और लेकिन उसके लिए कुछ जेन्युइन रीजन देना पड़ता है, क्या जेन्युइन रीजन, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट जो है वो उनकी जो भी मतलब प्रॉब्लम्स है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ डिस्कस करते हैं, और लॉ यानी कि वो कोई भी एडवाइस दे सकते हैं लॉ से लेकर, क्लियर। और अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि इस पर्सन की कोई जेन्युइन रीजन है, तो इसको डेथ सेंटेंस जो है वो लाइफ इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट करना चाहिए, तो ही कैन कन्वर्ट,
तो ये भी प्रेसिडेंट की एक इम्पोर्टेंट मतलब जो पावर है, सिर्फ प्रेसिडेंट ही सुप्रीम कोर्ट के जज के डिसीजन को चैलेंज कर सकते, चैलेंज नहीं मतलब उसको आगे चेंज कर सकते हैं, चैलेंज नहीं हम कहेंगे इसको चेंज कर सकते हैं। ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन चेंज, अदरवाइज हमारी कंट्री में जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट इज एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज का जो डिसीजन है वो फाइनल होता है। आपको पढ़ा होगा इंडियन जुडिशरी में अलग अलग लेवल्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, देन हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। अगर कोई पर्सन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस हार गया वो हाई कोर्ट में जा सकता है, हाई कोर्ट में हार गया तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट दैट इज द फाइनल डिसीजन मेकर जजेस, ठीक है। इसके बाद उसके ऊपर कौन है, प्रेजिडेंट, क्लियर। तो प्रेजिडेंट कैन चेंज, इसमें आपने ये बताना दैट प्रेजिडेंट कैन चेंज द डेथ सेंटेंस इन टू लाइफ इम्प्रीजनमेंट, क्लियर। तो ये प्रेजिडेंट की जुडिशियल पावर है, क्लियर। एनी डाउट, एनी डाउट बेटा? ओके, ये तो थी जनरल पावर्स, यानी कि जब कंट्री में नॉर्मल कंडीशन होती है तब प्रेसिडेंट इन जनरल पावर्स को यूज कर सकते हैं। लेकिन कई बार कंट्री में क्या होता है, स्टेट या कंडीशन जो है वो अकॉर्डिंग टू दीज पावर्स नहीं हो सकती। कंट्री में कुछ इंपॉर्टेंट सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं, ऐसी पावर्स को क्या बोलते हैं, एमरजेंसी पावर्स। ये आपको अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट अ नोट ऑन द एमरजेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, तो फिर आपने इसको पूरी तरह से डिटेल में एक्सप्लेन करना है। लेकिन अगर आपको सिंपल पूछा गया है विच आर द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, तो इसमें आपका फिफ्थ पॉइंट बनेगा, फिफ्थ पॉइंट, एमरजेंसी पावर्स। इन एमरजेंसी पावर्स के लिए आपको आर्टिकल याद रखना है, ठीक है। तीन आर्टिकल याद रखने हैं आपको, आर्टिकल 352, ठीक है। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि प्रेसिडेंट कौन सी इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। देन आर्टिकल 356, ठीक है, यानी कि इमरजेंसी रिलेटेड थ्री पावर्स है प्रेसिडेंट के पास। एंड आर्टिकल 360, पहले ये आर्टिकल याद रखो, यानी कि प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर्स। आर्टिकल का मतलब है ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल गिवन है, रिटन है, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है वो इस आर्टिकल में जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। अगर कंट्री में प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी लगानी है तो इन आर्टिकल्स में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग ही लगा सकते हैं। पहले तो आप आर्टिकल याद रखो, क्योंकि आपको ये आर्टिकल कोई भी वन मार्क के अकॉर्डिंग आ सकता है कि इस आर्टिकल में क्या प्रोविजन है, ठीक है। अब हम करते हैं सबसे पहले आर्टिकल 352। इसमें हम ये बताएंगे कि अगर प्रेसिडेंट को ये लगता है कि कंट्री में कोई एक्सटर्नल अटैक, नंबर वन, यानी कि जो आर्टिकल 352 है, अगर प्रेसिडेंट को ये डर है कि कंट्री पे एक्सटर्नल अटैक, कोई और कंट्री अटैक कर सकती है, हो सकता है, अगर प्रेसिडेंट को ये डर है कि कंट्री पे अटैक हो सकता है, एक्सटर्नल अटैक, ठीक है, या फिर कंट्री जो है, कंट्री में किसी भी तरह से जो है इंटरनल, इंटरनल का मतलब होता है कि कंट्री में कोई अटैक होता है या आर्मी ही रिवोल्ट कर दे, रिवोल्ट, वैसा कभी हुआ नहीं है कि रिवोल्ट हुआ हो, ये नहीं हुआ, ठीक है, ये तो हुआ है अटैक लाइक चाइना पाकिस्तान, जिस टाइम पीरियड में हमारी कंट्री में चाइना और पाकिस्तान अटैक हुआ था उस टाइम में हमारी कंट्री में इमरजेंसी लगी, ठीक है। इस इमरजेंसी को क्या कहते हैं, नेशनल इमरजेंसी, पूरी कंट्री पे लगती है, नेशनल इमरजेंसी। तो प्रेसिडेंट क्या डिक्लेयर कर देते हैं, नेशनल इमरजेंसी। अगेन आई एम रिपीटिंग, अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल प्रेसिडेंट कैन इशू नेशनल इमरजेंसी इन केस ऑफ एक्सटर्नल अटैक और वॉर, जब लड़ाई होती है, ठीक है, तो उस टाइम पीरियड में प्रेसिडेंट जो है डिक्लेयर कर सकते हैं। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट ईयर याद रखो, 1962, कौन से ईयर, ऐसे फॉर एग्जांपल याद रखो, 1962 चाइना अटैक, जब कंट्री में चाइना ने अटैक किया था उस टाइम पीरियड में इमरजेंसी लगाई,
फिर एक और ईयर याद रखो 1971 पाकिस्तान अटैक, ठीक है 1971 में पाकिस्तान ने अटैक किया, तब हमारी कंट्री में नेशनल इमरजेंसी लगी। क्या होता है नेशनल इमरजेंसी में, जब नेशनल इमरजेंसी लग जाती है तो लोगों के फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है। फंडामेंटल राइट्स सस्पेंडेड। बताओ क्यों, टेल मी रीजन, क्यों लोगों के फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर देते हैं, क्या रीजन होता है, टेल मी। सपोज मैं कहती हूँ कि मेरा फंडामेंटल राइट है राइट टू मूव एनीवेयर, लेकिन जब कंट्री पे अटैक हो रहा है, चाइना अटैक कर रहा है, पाकिस्तान अटैक हुआ, उस टाइम पीरियड में अगर लोग ये कहें कि मेरा फंडामेंटल राइट है वी कैन मूव एनीवेयर, तो इज इट पॉसिबल, तो क्यों क्यों जो है एमरजेंसी लगाई जाती है, व्हाट इज द रीजन, टेल मी, यस हु विल गिव द आंसर, व्हाट इज द जेन्युइन रीजन फॉर सस्पेंडिंग फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजंस। उस टाइम पीरियड में लोगों के फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है, दिस इज अ जेन्युइन रीजन, व्हाट इज द रीजन, वेरी गुड अंशिया, यस हाँ जी, कीप योर माइक ऑन, फॉर द सेफ्टी ऑफ द सिटीजंस, क्योंकि लोग अगर लोगों को मतलब प्रॉपर जो है वो उनके राइट्स को फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड करना मतलब कर्फ्यू लगा देना, कर्फ्यू लग जाता है, लोगों को एडवाइज किया जाता है कि वो घर के अंदर रहें, ठीक है, तो कि अगर बाहर जाएंगे या कहीं भी घूमने फिरने जाएंगे तो वहां पर कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो लोगों की सेफ्टी जो है वो मेन इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए कंट्री में प्रेसिडेंट जो है वो क्या लगाते हैं, एमरजेंसी लगाते हैं, ठीक है। तो ये कब लगी थी नेशनल एमरजेंसी, एक तो लगी थी 1962 चाइना अटैक, एक लगी थी 1971 पाकिस्तान अटैक के टाइम पे। ऐसे में कंट्री के जितने भी डिसीजंस हैं, पूरी कंट्री के डिसीजन वो इमीडिएटली लेना बहुत जरूरी होता है, तो ऐसे में फिर क्या होता है, प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट के पास सारी पावर्स आ जाती है, तब प्रेसिडेंट का ये जो हम कहते हैं ना कि बाकी जनरल पावर्स हैं, प्रेसिडेंट कैन यूज ऑल द पावर्स विद द हेल्प ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल मिनिस्टर, लेकिन उस टाइम पीरियड में प्रेसिडेंट इज द चीफ ऑफ ऑल द डिफेंस फोर्सेस, सुप्रीम कमांडर है, तो तीनों फोर्सेस को जो भी एडवाइस देनी है या जो भी है वट एवर, तो किसका मेन डिसीजन मैटर करता है, प्रेसिडेंट का। नो डाउट प्राइम मिनिस्टर को भी इन्वॉल्व किया जाता है, लेकिन उस टाइम पीरियड में फाइनल पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ प्रेसिडेंट, बिकॉज ही कैन डिक्लेयर एमरजेंसी, और वो क्या करते हैं फिर, हमारी पूरी कंट्री को के लिए एक जैसा लॉ बनता है, यूनिफॉर्म लॉ, जो सभी स्टेट्स को फॉलो करना पड़ता है। तो उस टाइम पीरियड में इंडियन गवर्नमेंट, यानी कि जो प्रेसिडेंट की जो मेन पावर होती है, वो पूरी कंट्री के लिए जो है वो एक जैसी पावर्स, एक जैसे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, ठीक है। काइंड ऑफ आपने देखा COVID-19 के टाइम पीरियड में भी जो है वो सेम, एमरजेंसी तो नहीं लगी थी लेकिन लॉकडाउन जैसा डिसीजन या अलग, सब ये सभी स्टेट्स के लिए थी, ठीक है, जब कंट्री में लॉकडाउन लगा था तो वो सभी स्टेट्स को फॉलो करना पड़ा, तो काइंड ऑफ दैट, मतलब ये तो आपने एक पार्शियल फॉर्म देखी है ना कि किस तरह से आपको एडवाइस किया गया लॉकडाउन, आपको घर के अंदर रहना है वट एवर जो भी है, लेकिन नेशनल एमरजेंसी में तो प्रॉपर कर्फ्यू होता है, जिसमें लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते हैं, और अगर वो घूमने फिरने जाएंगे तो प्रॉपर ऑब्जेक्शन होता है, तो और भी बहुत से नेशनल एमरजेंसी में रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। आर्मी कंट्रोल करती है, उस टाइम पर में आर्मी का मेजर रोल होता है, आर्मी कंट्रोल करती है, ठीक है, ताकि किसी भी तरह से जो है वो ब्लास्ट या कोई भी मतलब जो है वो हम कहते हैं कि अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट से लोगों को बचाया जा सके, क्लियर। सो दिस इज द रीजन व्हाई नेशनल एमरजेंसी इज डिक्लेयर बाय द प्रेसिडेंट। यहाँ तक पॉइंट ठीक है, क्लियर है, एमरजेंसी पावर, इसमें हम ये कहेंगे कि प्रेसिडेंट कैन टेक, इसमें प्रेसिडेंट की पावर सुप्रीम होती है, प्रेसिडेंट ड्यू टू एक्सटर्नल, ड्यू टू द रीजन ऑफ एक्सटर्नल अटैक या ड्यू टू द यू कैन से कंडीशन ऑफ वॉर, ठीक है, प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर एमरजेंसी, नेशनल एमरजेंसी। किस आर्टिकल में लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, 352, कौन सी एमरजेंसी बोलते हैं इसको, नेशनल एमरजेंसी, ठीक है। और ऐसे में लोगों के फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर दिए जाते हैं, लोगों को घरों में रहने के लिए जो है वो सजेस्ट किया जाता है, एंड थर्ड थिंग मेन, पूरी कंट्री की पावर, पूरी कंट्री के डिसीजंस जो है वो किसके हाथ में होते हैं, प्रेसिडेंट के हाथ में होते हैं।
सो दीज आर द एमरजेंसी पावर्स. क्लियर? हाँ जी. तो अभी आई एम गोइंग टू